Hello everyone, today I am going to teach you a paragraph my school library. आज मैं आपको एक पैराग्राफ के बारे में पढ़ाऊंगी और लिखने को दूंगी. इसे आपको लर्न करना है और लिखना भी है. my school library, जैसा कि आप जानते हैं सभी स्कूलों में एक लाइब्रेरी होती है और हमारे स्कूल में भी है. my school owns a good library. हमारे स्कूल में एक लाइब्रेरी है. इट हैज़ टू रूम्स, उसमें दो कमरे हैं. वन ऑफ दीज रूम्स इज कॉल्ड द रीडिंग रूम, उनमें से एक कमरे को हम बोलते हैं रीडिंग रूम. हियर द स्टूडेंट्स सिट एंड स्टडी क्वाइटली, जहाँ पर विद्यार्थी आराम से बैठकर पढ़ाई करते हैं शांति से. द अदर रूम इज बिगर, जो एक रूम है बड़ा है. In one of its parts, these are several cupboards, जिसमें बहुत सारे कपबोर्ड हैं, अलमारियाँ हैं, full of books, जो किताबों से भरी हुई हैं. Each cupboard has a special branch, जो कपबोर्ड है उसमें अलग अलग drawers हैं. Of knowledge hidden within the books, I am very fond of the cupboard which contains story books, और उसमें कहानियों की किताबें हैं. द लाइब्रेरी हैज़ बुक्स सूटेड टू स्टूडेंट्स ऑफ ऑल एज ग्रुप, जिसमें सभी तरह के लोगों को पढ़ने के लिए किताबें हैं. द लाइब्रेरी इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्लेजर एंड नॉलेज. ए स्कूल विदाउट अ लाइब्रेरी इज लाइक अ किचन, अगर किसी भी स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है तो वो किचन के बराबर है. विदाउट फूड, जैसे उस किचन में खाना नहीं हो और सिर्फ किचन हो, उसी तरह से अगर स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है तो वो स्कूल खाली है. थैंक यू.